फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X6 न्यू एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन में मैसेज सेंड नहीं हो रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में मैसेज सेंड नहीं हो रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रिबूट कर लेना है, ठीक है ना। तो इसके अगला काम आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड ऐप्स का ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड ना ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका पेज आता है, इसे ओके पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में ये जो मैसेज का ऐप होता है ना, इस मैसेज के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज आएगा, इसमें ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको स्टोरेज पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है, ठीक है। तो आपका पेज आएगा ना, इसमें आपको क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है। तो आपका पेज आएगा क्लियर कैच का, इसे ओके पे टैप करना है। आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला काम करना है क्या, आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है ना। तो सेटिंग पेज को ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो आपको जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम करना है क्या, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना ये फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आता है, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे की साइड इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका पेज आता है, इसमें आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन से जो मैसेज सेंड नहीं हो रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।